तो यार आज मैं आप लोगों को पांच ऐसे रोमांटिक एनिमी बताऊंगा जिसे देखकर आप बोलोगे वाह। तो बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार मैं पहले ही बता दूं, मैं इनकी स्टोरी नहीं बताने वाला, स्टोरी आप खुद जाकर देख लेना। तो सबसे पहला एनिमी है माई लव स्टोरी विद यमाडा कुन एट लेवल 99। ये एनिमी 2023 को अप्रैल में आया था। इस एनिमी को 7.6 की रेटिंग मिली है जो की काफी ज्यादा रेटिंग है। तो अगर आपको ये एनिमी वॉच करना है तो आप क्रंची रोल पर जाके हिंदी में वॉच कर सकते हो। तो यार दूसरे नंबर पर जो एनिमी है उसका नाम है टोमो चेनिजा गर्ल। तो यार ये भी काफी जबरदस्त एनिमी है, इसमें भी रोमांटिक आपको भरपूर देखने को मिलेगा। तो आप जाकर इसे भी क्रंची रोल पर वॉच कर सकते हो और वो भी हिंदी में। ये एनिमी 2023 में 5 जनवरी को आया था। तो अगर हम इस एनिमी की रेटिंग की बात करें तो इस एनिमी की रेटिंग भी 7.6 है। और तीसरे नंबर पर जो एनिमी है उसका नाम है एंजल द नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन। सॉरी यार अगर थोड़ा सा नाम गलत ले लिया हो तो यार ये एनिमी 7 जनवरी 2023 को आया था। तो आप इसे भी जाकर क्रंची रोल पर हिंदी में वॉच कर सकते हो। तो यार चौथे नंबर पर जो एनिमी उसका नाम काफी ज्यादा मुश्किल है, तो उसका नाम मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दे दूंगा। तो ये एनिमी भी काफी ज्यादा रोमांटिक है, आप इसको जाकर जरूर से वॉच करना, ये आप लोगों को करंची रोल पर हिंदी में मिल जाएगा। ये एनिमी 2024 में 9 जनवरी को आया था और इस एनिमी की रेटिंग है 6.8। तो चलो बात करते हैं अपने पांचवें एनिमी की जिसका नाम है मोर देन मैरिज कपल बट नो लवर्स। यार ये एनिमी भी काफी ज्यादा रोमांटिक है, मैंने इसको पांचवें नंबर पर इसलिए रखा है कि इसमें बहुत ज्यादा रोमांस है। तो आप जाकर इसे वॉच करना, करंची रोल पर आपको सारे एपिसोड हिंदी में मिल जाएंगे। तो यार ये एनिमी 9 अक्टूबर 2022 में आया था। तो यार इस एनिमी की रेटिंग है 7.6 जो कि काफी ज्यादा है। तो यार अगर आपको ये सारे एनिमी हिंदी में बिल्कुल फ्री में वॉच करने तो आप मुझे बता देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप कहाँ से वॉच कर सकते हो। तो बस ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।